नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप सबका स्वागत करता हूं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, होटल मैनेजमेंट में सफल होने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज इज द की फॉर सक्सेस इन होटल इंडस्ट्री। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ है तो आपका सक्सेस निश्चित है दोस्तों, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्री है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके काम कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश आता है और आपने होटल मैनेजमेंट किया है। वैसे तो आज के जो वीडियो है दोस्तों, ये हर किसी के लिए है, कोई भी सीख सकता है। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। होटल इंडस्ट्री में भी अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है, और इंग्लिश में भी वही फॉर्मूला है कि आपको बेसिक जानना जरूरी है। हालांकि ये जो आज वीडियो बना रहा हूं मैं, ये हर किसी के लिए है, कोई भी इसे देख के इंग्लिश सीख सकता है। मैंने चैलेंज दिया है 30 दिन का, 30 दिन में आप लोगों को मैं इंग्लिश सिखा के रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहें कंटिन्यूअसली 30 दिन, मैं हर दिन एक नया नया स्टेप बताते जाऊंगा वन बाय वन। मेरा कोशिश है आप सबको हेल्प करने का, और आप सबका रिक्वेस्ट की वजह से मैंने वीडियो बनाने का स्टार्ट किया है, हाउ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सीखा जाए। तो मैंने बेसिक से जो मैंने सीखा है जैसे, ठीक है, तो मैंने बेसिक से शुरू किया है। अगर आज का जो वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने अगर छोटा भाई बहन है तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी मदद हो इंग्लिश सीखने में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा इंग्लिश का जो क्लास है, ठीक है। जब तक हम इंग्लिश में स्वर और व्यंजन नहीं सीखेंगे तब तक हम अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्वर और व्यंजन, जिसे हम इंग्लिश में वावेल्स और कॉन्सोनेंट कहते हैं। पहले समझ जाइए कि जो लेटर्स हैं इंग्लिश में, वह है 26 लेटर्स। इस 26 लेटर को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, जो है वावेल्स और कॉन्सोनेंट। हिंदी में भी दोस्तों ये दो भाग में डिवाइड किया गया है, जिसे हम स्वर और व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए हमें सीखना है स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में जो 26 लेटर्स हैं आप सब जानते हैं, जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो दोस्तों, ये हुआ अपना स्वर और व्यंजन। तो हमें इसी लेटर में से स्वर और व्यंजन को पहचानना है। आपको मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो लेटर्स हैं इंग्लिश का, वो 26 हैं, यानी 26 लेटर हैं। स्वर 5 है, जो 26 लेटर हैं उसमें से 5 स्वर यानी वावल्स, और 21 जो हैं वो व्यंजन हैं। जो 21 लेटर्स हैं वो है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, हिंदी में व्यंजन और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें दोस्तों, तो हिंदी में हमारे पास 12 स्वर हैं और 40 व्यंजन हैं। वहीं इंग्लिश में उसका अपोजिट है, 5 वावेल्स और 21 कॉन्सोनेंट है। यही सार है, यही मूल है। अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि इंग्लिश में कौन सा वावेल्स है और कौन सा कॉन्सोनेंट है, जो लेटर्स हैं। अगर ये आप जान गए तो आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो जाती है, और यही रीज़न है कि मैंने पहले शुरुआत यहाँ से किया, ताकि आप लोगों को सीखने में बहुत आसानी हो जाए। स्वर यानी कि वावेल्स इंग्लिश में है दोस्तों ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 स्वर होते हैं, 5 वावेल्स होते हैं इंग्लिश में। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन 21 लेटर होते हैं दोस्तों, वो है बी सी डी एफ जी एच जे K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये हुआ आपका कॉन्सोनेंट्स। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान और याद रखना है। हिंदी के स्वर यानी कि मात्राएं 12 होते हैं,
और अंग्रेजी में 5। तो वो कौन सा 12 मात्राएं हैं दोस्तों? हिंदी में वो है अ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, ए, ओ, औ, अंग, अह। तो ये है दोस्तों स्वर हिंदी में। और वही अगर स्वर की बात करें अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में, तो वो है सिर्फ 5, जो है ए, ई, आई, ओ, यू। मैंने जो बताया हिंदी का स्वर, उसे हम सिर्फ एक ही उच्चारण करते हैं। मात्राएं क्या है? उच्चारण। हम कैसे उस लैंग्वेज को यानी कि उस लेटर्स को हम कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं और इंग्लिश हिंदी में उच्चारण। तो अभी आपको मैं बताता हूं अंग्रेजी के जो स्वर हैं दोस्तों, जो उच्चारण हैं, जो मैंने 5 आपको वावल्स बताए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये इसका जो साउंड है दोस्तों, ये 2 टाइम निकलते हैं। जैसे अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको एक ही स्वर निकलेगा, जैसे अ, आ, ई, ई। लेकिन वही स्वर अगर आप अंग्रेजी में बात करें तो ए, अ, ई, ई, आई, ई, ओ, उ, यू, उ, इस तरह का 2-2 साउंड निकल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे ए, ए में आप बोल सकते हैं एप्रन, एम। और वहीं पर दूसरा वर्ड आप बात कर सकते हैं, जैसे अ में इसको आ उच्चारण होता है, जैसे कैट, एप्पल। यानी कि यहीं पर ही हम 2 इसका साउंड निकल सकता है। जैसे कि ई अगर बात करूं मैं तो ईगल, ईट। वहीं पर एलिफेंट, एल्बो। यानी कि आपका जो साउंड है वो ए की तरह आ रहा है, तो यहां पर आपको गलती नहीं करना है। अगर मैं बात करूं आई का तो आइस, आयरन। वहीं पर इंक, पीन। यानी कि लंबा भी लॉन्ग भी हो सकता है, ये जो आपका उच्चारण है, जो स्वर है वो लंबा हो सकता है। ओ की बात करें, ओल्ड, गोल्ड। वहीं पर अगर बात करें दूसरा शब्द का, वो है ऑफ, पॉट। ठीक है, तो लंबा भी जा सकता है उच्चारण में। यू की बात करें, यूनिवर्स, क्यूट। वहीं पर अगर दूसरा स्वर की बात करें इसका, तो अब, अम्ब्रेला। तो इस तरह का दोस्तों इसका साउंड निकल के आते हैं। अगर आप प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इसको इंडिया में कई लोग कैपरेक्टर बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो इस तरह के वावल्स को भी कोई लोग बोलते हैं बाबुल्स, कोई लोग बोलते हैं वावल्स, कोई लोग बोलते हैं वावल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत लोग बहुत तरह का इसको उच्चारण करते हैं, लेकिन इसका जो सही जो स्वर है दोस्तों, वो है वावल्स। तो मैंने आपको बता दिया 21 व्यंजन जो है, वो आपको ध्यान रखना है कि ये 21 जो व्यंजन है वो क्या है, और 5 जो वावल्स हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट और वावल्स को जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप इंग्लिश में अपना पकड़ बनाना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। वैसे तो दोस्तों आपको इंग्लिश कोई सिखा नहीं सकता जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपको हर दिन कम से कम एक पेज पढ़ना होगा, और कम से कम 5-6 दोस्त जिससे आप मिलते हैं उससे थोड़ा बहुत बात कर लिया करें, तो इंग्लिश सीखना आसान हो जाता है। अब हम सीखेंगे दोस्तों इसका स्वर। मैंने जैसे आपको बताया कि जब तक आप इसका प्रोनाउंस बराबर नहीं सीखेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए मैंने आज स्वर लिया है। इसके आगे जैसे भी जो सीखने का होगा मैं आपको बताते जाऊंगा। आज हम सीखेंगे स्वर यानी मात्राएं। हिंदी में अगर कहें अ, वो इंग्लिश में ए होगा। आपको लिखना है ए और उच्चारण भी ए करना है। ए लिखेंगे तब जाके उसका उच्चारण जो है दोस्तों या प्रोनाउंसिएशन अ में आएगा। अब लिखते हैं आ, यानी कि हम इसको लिखेंगे ए, ए, आ, ई। इंग्लिश में से हम लिखेंगे आई, ई। अब ये होगा बड़े ई, ई। इसका जो स्वर है दोस्तों वो है ई। हम इंग्लिश में इसको लिखेंगे ई, ई, यानी कि इसको ये होगा ई। अब हम सीखेंगे दोस्तों ऊ। ऊ को हम इंग्लिश में लिखेंगे यू। ये होगा बड़े ऊ, ऊ। थोड़ा लंबा जाएगा, इसका जो स्वर है वो थोड़ा लंबा होगा। ऊ जो है डबल ओ, यानी ओ, ओ, ऊ। ए इंग्लिश में होगा ई। आई, आई को हम लिखेंगे दोस्तों ए, आई, आई।
ओ, इंग्लिश में होगा ये ओ। अब हिंदी में अगर बोलते हैं औ, तो इंग्लिश में हम लिखेंगे इसको ए यू औ अंग, इंग्लिश में इसे लिखेंगे ए एन अंग, अह, इंग्लिश में इसे लिखेंगे ए एच ए अह। तो इस तरह ये स्वर होता है, यानी कि आपका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो बराबर होना चाहिए, तभी जाके आपको जो इंग्लिश है वो सटीक और रेस्पेक्टफुल बनता है। आशा करता हूं आज का हमारा जो टॉपिक था और मेरा जो एक कोशिश है आप सबको हेल्प करने का, शायद रंग लाएगी। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो यार लाइक तो बनता है यार, जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर पहला चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन उसको दबा दें, ताकि इसी प्रकार का वीडियोस आपको हरदम मिलता रहे। मैं ना सिर्फ इंग्लिश का बल्कि करियर के रिलेटेड आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन सा करियर आपके लिए सूट करता है, मोटिवेशनल वीडियोस, करियर रिलेटेड वीडियोस मैं हरदम अपलोड करते रहता हूं। आप मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।